गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसमें इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे, और इंटेंसिटी का जो ये फार्मूला हमने बताया था E=F/Q0, और इससे रिलेटेड तमाम आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, और एक फार्मूला लास्ट में हमने बताया था E=-dV/dr, और ये जो फार्मूला है इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने आपको बताया था पिछले पार्ट में, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताया था, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी हमने कराया था कि यदि कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल दिया है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो इंटेंसिटी आ जाएगी, और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताया था, और उस पर एक क्वेश्चन भी हमने करा दिया था कि ये क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें का लिख लीजिए कि जैसे फार्मूला है E=-dV/dr, या इस फार्मूला को लिख सकते हो dV=E(dr), दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा V=, और ये E dr, यानी पिछले पार्ट में जो आपको बताया गया था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटेंसिटी आ जाएगी। याद रखना इन चीजें, बड़ी गंभीरता से इस बात को याद रखना, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें इन्हीं थीम की जरूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे चार सिस्टम ऐसे बताए जाएंगे जिनका पोटेंशियल बताया जाएगा, इंटेंसिटी नहीं बताई जाएगी, इंटेंसिटी बताई जाएगी, पोटेंशियल नहीं बताया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें सबसे अहम भूमिका इन्हीं दोनों फार्मूलाज की होती है। एक बार इसको फाइनली फिर सुन लें, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल दिया हो और इंटेंसिटी निकालना हो तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटेंसिटी आ जाएगी। इसी का रिवर्स, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी दी हो और पोटेंशियल निकालना हो तो इंटेंसिटी को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा। यानी पोटेंशियल को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटेंसिटी आएगी, और इंटेंसिटी को डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। यानी पोटेंशियल दिया हो, इंटेंसिटी निकालना हो तो इससे, और इंटेंसिटी दी हो, पोटेंशियल निकालना हो तो इससे, या इसका यदि आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर E·vdr, ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये सिंपल फॉर्म हो गया। तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमने E=F/Q0 जो हम लोग पढ़े थे, इस फार्मूला से रिलेटेड तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए गए, और यहाँ तक आपको ये कंप्लीट तैयार रखना है, चाहे वो आपका कंपटीशन का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो। ये जो पॉइंट्स छोटे छोटे हम लोग हेडिंग के बीच में बताते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मूला मैंने बताया और इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताए, ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, और इनकी यदि अच्छी जानकारी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो आप बेहतरीन क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग पढ़ने के पहले एक छोटी सी बात, जैसे जितने भी चार्ज सिस्टम हैं, जैसे मान लीजिए यहां कोई पॉइंट चार्ज है, यहां कोई चार्ज रॉड है, यहाँ कोई चार्ज स्फीयर है, मान लीजिए आपने कोई चार्ज रिंग ले लिया, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, कोई चार्ज प्लेट ले लिया, तो ये जितने भी चार्ज सिस्टम हैं, चाहे पॉइंट चार्ज हो, चार्ज राड हो, चार्ज स्फीयर हो, चार्ज रिंग हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चार्ज प्लेट हो, ये सब अलग अलग चार्ज सिस्टम है। अब जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, आप जानते हो कि किसी भी बॉडी को
यदि हमने चार्ज कर दिया है या किसी बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी यदि आ गई है तो उसके चारों तरफ अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये कोई बॉडी है, यदि इसको हमने चार्ज कर दिया तो जो ये बॉडी चार्ज होगी अपने आप इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये चार्ज रॉड है इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये चार्ज स्फीयर है इसके भी अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इसके भी अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इसके भी अराउंड होगा। इसके भी अराउंड होगा। तो ये जितने भी चार सिस्टम दिखाए गए हैं सबके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पॉइंट चार्ज ने क्रिएट किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी निकालना हो तो इसका अलग फार्मूला होगा। चार्ज रॉड के ड्यू टू क्रिएट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो इसका अलग फार्मूला होगा। चार्ज स्फीयर के ड्यू टू प्रोड्यूस फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी हो तो इसका अलग फार्मूला होगा। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, यानी जितने भी चार्ज सिस्टम हैं सबके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि आपको इंटेंसिटी निकालने को दिया जाए तो सारे चार्ज सिस्टम के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी का कोई एक फार्मूला पढ़ लिए अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इंटेंसिटी निकालना हो तो उसी फार्मूला से निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग चार्ज सिस्टम के ड्यू टू इंटेंसिटी का फार्मूला अलग अलग होता है और सबको बाइफर्केट पढ़ना है। यानी यदि पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने का अलग फार्मूला होगा। रॉड के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी निकालने का अलग फार्मूला होगा। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब हम लोग बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे। तो इस समय अब हम अगली हेडिंग में किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो, इसी की पढ़ाई करेंगे अगले हेडिंग में। और याद रखिएगा कि जितने भी चार्ज सिस्टम हैं सबके ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इंटेंसिटी का अलग अलग फार्मूला होगा, उसका अलग अलग डेरिवेशन किया जाएगा। तो अभी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकालें, इसकी चर्चा हम लोग इस हेडिंग में करने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना। यहां एक बात और याद कर लीजिए, जो पिछला पार्ट था, पिछला जो वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो वहां एक टेस्ट चार्ज रख दो और देखो कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगे उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, इंटेंसिटी निकल जाएगी। आपको याद होगा, थोड़ा सा मैंने कहा याद दिला दूं, तो ये पिछले वीडियो में बता चुका था मैं। मान लीजिए, अब डेरिवेशन कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और उसको किसी पॉइंट ऊपर रख दिया और इस पॉइंट चार्ज को ऐसे मीडियम में रखा हूं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया, इसको किसी पॉइंट ओ पर हमने रख दिया ऐसे मीडियम में जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो पॉइंट चार्ज को ज्यों ही ओ पॉइंट पर रखोगे ये पॉइंट चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लीजिए पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। अब पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर आपको एक पॉइंट P दिया गया जिसकी डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से R है और आपसे कहा गया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। समझ में आया, ये एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है जिसे किसी मीडियम में पॉइंटों पर रखा गया है
और जिस मीडियम में रखा गया है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये पॉइंट चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट, कोई पॉइंट पी आपको दिया गया जो पॉइंट चार से आर डिस्टेंस पर है और कहा गया यहां पर इंटेंसिटी बताइए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो तरीका मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो वहां आप एक टेस्ट चार्ज रख दो और देखो कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा। जितना फोर्स लगा निकाल कर उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले यहां एक टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट और फिर देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा। तो पहले हम निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी पर जो टेस्ट चार्ज रखा गया उस पर कितना फोर्स लगा। इस पर फोर्स लगा कौन रहा है, ये पॉइंट चार्ज लगा रहा है तो ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा ये हम कूलम्स लॉ से निकाल लेते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए हो गया 1/4 πε0 k इंटू q1 q2 यानी q0 r2। अब इस क्यू नॉट को इधर कर दीजिए, ये हो गया f/q0 = 1/4 πε0 k q/r2। और आप पढ़े हो f/q0 को इंटेंसिटी कहते हैं, तो इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया 1/4 πε0 k q/r2। तो इस तरह से यदि कहीं कोई पॉइंट चार्ज रखा हो और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो सीधा ये फार्मूला लगा सकते हो, डेरिवेशन मैंने कर दिया। अब ये वाला पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज पर चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये वाला इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस तरफ। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेस्ट चार्ज रखते हो तो टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह यहां पर ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया। और अब याद रखिएगा कि कहीं भी यदि कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ हो, पॉइंट चार्ज का केस हो और पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी निकालना हो तो ये सब टेस्ट और चार्ज अब रखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैंने रख के फार्मूला डिराइव कर दिया। इसलिए कहीं भी किसी भी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू कहीं इंटेंसिटी निकालना हो तो सीधा आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अब इसमें कुछ छोटी बातें देख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन एयर आवलिक वैक्यूम। यदि मान लीजिए पॉइंट चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा गया हो, एयर या वैक्यूम में इंटेंसिटी को ई नॉट से लिखेंगे। मैं पिछले चैप्टर में बताया था कि एयर या वैक्यूम में फोर्स निकालना हो, इंटेंसिटी निकालना हो, पोटेंशियल कुछ भी निकालना हो नॉट लगा के लिखते हैं। तो यदि कोई पॉइंट चार्ज एयर या वैक्यूम में है तो उसके ड्यू टू इंटेंसिटी को ई नॉट लिखेंगे और फार्मूला हो जाएगा 1/4 πε0 q/r2। यहाँ के गायब हो जाएगा क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। और यदि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी मीडियम में निकालनी हो तो इंटेंसिटी को ई से लिखेंगे, तब ये फार्मूला हो जाएगा 1/4 πε0 k q/r2। तो याद रखिएगा कि यदि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी एयर या वैक्यूम में निकालनी हो तो इससे लगेगा, और यदि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी मीडियम में इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी हो तो ये फार्मूला लगेगा। अंतर सिर्फ के का है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 1/k हम बाहर कर ले रहे हैं
तो यहाँ बच गया 1/4 pi epsilon naught q अपान r स्क्वायर, और 1/4 pi epsilon naught q अपान r स्क्वायर, इस पूरे की जगह आप e नॉट लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम इसकी जगह e नॉट लिख दें, तो ये हो जाएगा 1/k into e naught is equal to e, या इसको इधर कर दीजिए तो e नॉट इज इक्वल टू k इंटू ई, या k इज इक्वल टू e नॉट अपॉन ई। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन लग जाएंगे, एक यदि किसी पॉइंट चार्ज या किसी चार्ज के ड्यू टू वैक्यूम में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी दिया हो, और फिर मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पर इंटेंसिटी दिया हो, तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा। दूसरा, यदि आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखने को आए, तो आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन वैक्यूम टू द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इन मीडियम इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से न्यूमेरिकल तो आता ही है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी आ जाएगा, और यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हो कि कोई भी चार्ज किसी मीडियम में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसका के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वैक्यूम में, यानी एयर या वैक्यूम में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होती है, मीडियम प्रोड्यूस कर दीजिए उस चार्ज के अराउंड, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी लग जाएगा, तीन क्वांटिटी है, कोई दो दे देगा तीसरा पूछ देगा, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी निकाल सकते हो। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लें, सेकेंड पॉइंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ एबव फार्मूला। ये जो फार्मूला पढ़े हैं इसका वेक्टर फॉर्म, जैसे हमने फार्मूला लिखा है इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into q upon r square। देखो यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, यदि किसी मीडियम में इंटेंसिटी निकालनी हो तो k लिखेंगे, और एयर या वैक्यूम में निकालनी हो तो k नहीं लिखेंगे, जो आपकी मर्जी। हमने आपको बताया था कि किसी फार्मूले का वेक्टर फॉर्म हम क्यों लिखते हैं, तो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने आपको ये बताया था कि फिजिक्स का कोई भी फार्मूला 100% करेक्ट तभी कहा जाएगा जब वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो, डायमेंशनली करेक्ट हो, और वेक्टरली करेक्ट हो। तो ये जितना फार्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, न्यूमेरिकली भी करेक्ट होते हैं, लेकिन ये वेक्टरली करेक्ट नहीं है। इसलिए किसी फार्मूले को यदि 100% करेक्ट फॉर्म लिखना है तो वेक्टरली आपको करेक्ट करना पड़ेगा, और किसी फार्मूले को वेक्टरली करेक्ट करना ही वेक्टर फॉर्म लिखना कहा जाता है। तो यानी इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का मतलब ये हुआ कि हम इसे वेक्टरली करेक्ट कर रहे हैं, और कूलम्स लॉ में जैसे हम वेक्टर फॉर्म लिखना बताए थे वैसे ही यहाँ भी लिखा जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म हम लिखने के लिए करेंगे क्या, इधर तो इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ही है, जैसा कूलम्स लॉ में बताया था वही चीज है यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब चूंकि आप जानते हो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, आपको याद होगा कूलम्स लॉ में बता चुका हूं, यहां पे टाइम नहीं लेंगे। अब इसकी जगह ये चीज यहां लिख दो, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गई 1/4 pi epsilon naught q upon r cube into vector r। या बहुत सारे लोग इतना लफड़ा लिखने के बजाय इसको लिख देते हैं ओनली k q upon r cube into vector r। ये इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म है। अब इसमें वेक्टर r क्या है इसको दिखाना पड़ेगा, तो फिगर से दिखाने के लिए क्या करेंगे, मान लिया हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और मान लीजिए ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब ये पॉइंट चार्ज अपने अराउंड इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब इस रीजन में आपको एक पॉइंट P दे दिया गया जिसका पोजीशन वेक्टर R है, और P का कोऑर्डिनेट है x, y, z, और कहा गया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। तो क्या करेंगे आप, पहले P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और आप जानते हो कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, x i + y j + z k।
ये वेक्टर आर की वैल्यू हो गई। अब आर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब भी वेक्टर फॉर्म पर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर आर निकाल लीजिए। कभी कभी जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है कोऑर्डिनेट दिया रहता है, तो जब कोऑर्डिनेट दिया रहे तो वही इससे आप निकाल लीजिए पोजीशन वेक्टर। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट ना देके डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ही दे देता है, तो आपको आर दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो कोऑर्डिनेट से निकाल। ये निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अब वेक्टर आर की ये पूरी वैल्यू यहां रख देंगे, आर की पूरी वैल्यू यहां रख देंगे, क्यू आपको दिया रहेगा और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, यदि वेक्टर फॉर्म फार्मूला केवल वेक्टर फॉर्म लिखने को आए कि इस इंटेंसिटी का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो आप ऐसे लिख देना, और यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप पहले वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ये दोनों निकालकर सीधा इस फॉर्मूले में चाहे इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं इस पर, जैसे मान लीजिए कहा जाए ये पॉइंट चार्ज आप प्लस 100 μC इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं या 60 में इंटेंसिटी भी कहते हैं, तो आप इंटेंसिटी भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0 − 1, 1, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। तो आप पहले क्या करिएगा, चाहे तो फिगर बनाइए चाहे तो ना बनाइए, बना लीजिए तो बढ़िया है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पे प्लस 100 μC का चार्ज रखा गया है ओरिजिन पर। अब हमें इंटेंसिटी बतानी है 0 − 1, 1 पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आर है। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर आर निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0i छोड़ दीजिए −1j प्लस के। अब यहां से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, j का कोफिशियंट 1 का स्क्वायर, k का कोफिशियंट भी 1 का स्क्वायर, तो हो गया √2। अब फार्मूला लिख लें, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, q की वैल्यू 100 μC, μC को कूलम में चेंज कर लीजिए, इंटू वेक्टर आर, वेक्टर आर है −j + k अपॉन आर क्यूब √2 का क्यूब, तो 2√2 हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म पर भी यदि छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप सीधे पहले पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का निकाल लो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी है, और जब पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, और फिर सीधा ये फार्मूला लेके वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस हेडिंग को हम अगले पार्ट में बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।